पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में है। उसके बाद सिर्फ जाति जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना भैया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में है, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं शामिल हो, अपना पक्ष तो रखें भाई। अगर आप किसी चीज के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। ये बिल्कुल सीमा से मिलने जा रहा हूँ, सीमा की तस्वीर आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से ही सामने आई, उनके हौसले उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि किस तरीके से इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। बिहार में जातीय जनगणना के लिए 1 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाया है। इस बैठक में बीजेपी भी शामिल होगी, लेकिन आज चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बैठक पे बैठक कोई जरूरी नहीं था। नीतीश कुमार के साथ सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष भी साथ है, हम लोग भी नीतीश कुमार के साथ हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या लगता है इसका कितना फायदा होगा बिहार में? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बैठकों पे बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए जरूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में है। उसके बाद सिर्फ जातीय जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना भाई। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में है। अगर आप सही मायनों में इसको लेकर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाह रहे तो मुझे लगता कि आप इसको धरातल पर उतारने का वक्त है। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ है, जातीय जनगणना कराएं, हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। और बीजेपी ना ना करके आखिरकार बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं शामिल हो, अपना पक्ष तो रखें भाई। अगर आप किसी चीज़ के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो भी आप अपनी बातों को रखिए। पर ये बैठकें और खासतौर पर सर्वदलीय बैठक एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर जाकर आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। अच्छा, बैठक में आए, अपने पक्ष को रखें कि समर्थन करते हैं कि नहीं। जम्मू ही जा रहे हैं चिराग जी, दोबारा दल है सीमा, उससे मिलने के लिए, हालांकि आपने वीडियो कॉल पर भी बातचीत की है, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, सीमा से मिलने जा रहा हूँ, सीमा की तस्वीर आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से ही सामने आई, उनके हौसले उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि किस तरीके से इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, उसको अपनी ताकत बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने ठाना कि भले लाख मुसीबतें उनके जीवन में हो पर एक ज्ञान ही एक माध्यम है जो उनको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, इस सोच की मैं दाद देता हूँ। पर हाँ, ना सिर्फ एक सांसद होने के नाते उस क्षेत्र का मेरी जिम्मेदारी बनती है, पर आपने देखा कि प्रदेश में तमाम ऐसी जगहें जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं उसको लेकर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं प्रतीक हैं उन हज़ारों लाखों और बच्चों का जो संभवतः इसी तरीके की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं पर हार मान जाते हैं या हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब ऐसे बच्चों को आप प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें सोनू भी एक नाम है, मैं बार बार मैं इन बच्चों का मैं जिक्र करता हूँ, सोनू। तो सुना आपने चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, वो जब चाहे सर्वदलीय बैठक बुला लें, लेकिन 1 तारीख को कहा जा रहा है कि बैठक होगी जिसमें बीजेपी, आरजेडी, हम और उसके बाद चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी शामिल होगी। तो अब देखना होगा कि 1 तारीख को जब सर्वदलीय बैठक होगा उसके बाद कब जातीय जनगणना बिहार में कराई जाएगी, उसी दिन ऐलान हो जाएगा या फिर कुछ दिन के बाद होगा। जातीय जनगणना पर लगातार बिहार का मुद्दा गर्म था, बिहार की राजनीति चरम पे थी, लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने अपना पत्ता खोला और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते हैं तो उनका हम जरूर समर्थन करेंगे और सर्वदलीय बैठक में जरूर शामिल होंगे। लेकिन अब चिराग पासवान ने पूरी तरीके से अपनी सहमति जाहिर कर दी और कहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। पिछले कई मौक़ों पर आपने देखा होगा कि चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं, लगातार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर छापा मरवाएंगे, नीतीश कुमार
जिस तरह से बिहार में सात निश्चय चला रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने लगातार हमला किया था और कहा था कि नीतीश कुमार को जेल भिजवाएंगे, लेकिन अब चिराग पासवान समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।